नमस्कार दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैं मन की शक्तियों के बारे में बता रही हूँ। अब इस वीडियो में मैं इन शक्तियों के ऊपर आप अपना अधिकार कैसे जमाएं, आप इसे अपने कंट्रोल में कैसे लें, इसके लिए बताने जा रही हूँ। अगर किसी ने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें। देखिए, मन की जो शक्तियाँ हैं इनके ऊपर सबसे ज़्यादा अगर किसी को अपना स्वामित्व जमाना है, इनके ऊपर अपना कंट्रोल करना है, तो उसके लिए उसे एकाग्रता के बारे में पता होना चाहिए। एकाग्रता एक क्रिया है, एक क्रिया है जिसके द्वारा आप इस एकाग्रता को पा सकते हैं और बहुत जल्दी इसके ऊपर आप कंट्रोल, इनकी मन की शक्तियों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। सारा खेल ही एकाग्रता का आता है। करना क्या है एकाग्र होने के लिए? क्योंकि सब कहते हैं कि जहाँ हम, अगर मान लो हम भगवान का नाम लेने भी बैठे हैं तो हम लोगों का आधा ध्यान तो घर की समस्याओं की तरफ ही घूम रहा होता है। मैं अब आपको एक ऐसी विधि बताऊंगी जिससे ना केवल आप मन के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे बल्कि आप अपनी सारी शक्तियों को भी जागृत कर सकें। बहुत आसान है, बहुत सही तरीके से बताऊंगी, प्लीज़ सुनिएगा पूरी वीडियो। करना क्या है, आप एक जगह पर, साफ सुथरी जगह पर, शांत जगह पर, सुबह के टाइम क्योंकि सब सो रहे होते हैं, इस टाइम शांत वातावरण होता है, आप आंखें बंद करके बैठ जाएं। कमर आपने सीधी रखनी है, गर्दन हल्की सी झुका कर रखें और इस आसन में बैठें कि आप कंफर्टेबल रहें, आपको बार बार हिलना ना पड़े, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बहुत आसान सा, अपनी आंखें बंद करके आपने अपने अंदर एक ख्याल करना है रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में, वहाँ आपको एक प्रकाश का बिंदु दिखाई देगा। बिंदु क्या, सूरज छोटा सा चमकता हुआ। आपने उस सूरज को, उस बिंदु को, उस प्रकाश को पकड़कर, अपने ख्याल में पकड़कर उसे ऊपर की तरफ लेकर जाना है और ऊपर लाते लाते आप रीढ़ की हड्डी के साथ साथ इसे ऊपर लाएं। ऊपर लाते लाते आपने जहाँ इंसान, जैसे आप लोगों ने पंडित लोग देखे होंगे उनकी चोटी होती है, ऐसे ही चोटी वाले स्थान तक लाना है। जब वहाँ तक आ जाए आपके प्रकाश की तीर खींचती हुई, धीरे धीरे लाएं इसे। जब वहाँ तक आ जाए तो वहाँ से उसको पकड़कर आपने उस प्रकाश का जो बिंदु आप नीचे से पकड़कर ऊपर तक लाए हैं, उसे वहाँ तक लाने के बाद उसे आप अपने हृदय समझते हैं, जहाँ दिल होता है, इसके पास ही एक इमोशनल पोर्शन होता है जिसे हृदय बोला जाता है। ये सूक्ष्म शरीर की बात है, यहाँ आपने उसको छोड़ देना है। अब जब आप ये क्रिया करें कि प्रकाश की लकीर आपने रीढ़ की हड्डी के साथ से नीचे से शुरू की है और रीढ़ की हड्डी से पकड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर लाते हुए आप चोटी वाले स्थान तक आए हैं, और उस चोटी वाले स्थान के आने के बाद आपने कुछ किए बिना उस बिंदु को अपने हृदय की तरफ छोड़ देना है। जैसे आपने देखा होगा कि एक हवन किया जाता है, मंत्र बोला जाता है और उसके बाद हवन सामग्री जो है वो अग्नि में डाल दी जाती है, ऐसे ही जो आप प्रकाश की लकीर पकड़कर ऊपर तक लाएंगे, ऊपर आने के बाद आपने उसको अपने हृदय में छोड़ देना है। अब इस क्रिया को करने के साथ साथ आपने एक काम और करना है। आपने नीचे से शुरू करना है, जहाँ आप प्रकाश की लकीर शुरू करने लगे हैं रीढ़ की हड्डी के नीचे स्थान से, वहाँ आपने ओम का जाप करना है। ओम, ओके। ओ जब शुरू करेंगे तो इसे ये जो म है ख़त्म होगा, ये आपका चोटी वाले स्थान पर ख़त्म होना चाहिए, ये बनेगा आपका ओम। जब वहाँ ऊपर ओम म ख़त्म हो जाएगा तो आपने वो जो बनाया है आपका
वो हृदय में स्वाहा हो जाएगा। ये स्वाहा आपने बोलना नहीं है, ये बस बताने के लिए बताया है। सो आप इस छोटी सी क्रिया को करें। अब इसमें एक चीज और आपने ध्यान रखनी है कि जब आपका ये ओम शुरू हो तो वो सिर्फ एक सांस में हो, सिर्फ एक सांस में हो। जब आप ओम जितना सांस खींच सके आपने उतने तक ओम का जाप करना है। ये छोटी सी क्रिया, ये छोटी सी क्रिया आपके मन को एकाग्र कर देगी। इसे आप स्टार्टिंग में 5 बार कर लें, 10 बार कर लें, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, बहुत इजी सी है। आप करके देखें और नीचे मुझे कमेंट में इसका बताएं कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है। एक चीज़ और ध्यान रखें, जब आपको ये सब करते हुए अगर किसी तरह के प्रकाश का अनुभव हो, क्योंकि अभी तक ये आप कल्पना कर रहे हैं, और अगर इस कल्पना के साथ आपको प्रकाश का सचमुच में अनुभव हो जाता है, कल्पना आपकी की हुई है लेकिन जब वो ओरिजिनल होकर सामने आ जाएगी, तो आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब भी वो प्रकाश ऐसा आपको नज़र आए तो आपने अपने इष्ट का स्मरण करना है। इष्ट जो आपके गुरु हैं, आपके भगवान हैं, उन्हें समर्पित करके झुक जाना है। बस इतना सा कर दें, आप देखेंगे आपको इस क्रिया से जितनी जल्दी एकाग्रता आएगी, और कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो एकाग्रता के हमें इस लेवल तक लेकर जाए। कई लोगों ने मुझे बोला कि ये रिस्की हो सकता है। रिस्की नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हम इसे जब मस्तिष्क लेकर आए हैं तो उसके बाद हमने उसे मस्तिष्क में नहीं छोड़ा, इसे हृदय में छोड़ा है। तो इसलिए किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है। आप लोग करें, उम्मीद है ये जानकारी आप सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। धन्यवाद।